सबसे बड़ा जो समझो तो दान यही है, यही है। इंसान होने की पहली पहचान यही है, यही है। जिसने पाया हो जीवन में शिक्षा का धन, अनपढ़ से धन यह बांटने का गरीब जतन। एक कराए दूजे को भी अक्षर की पहचान। मंदिर है, ज्ञान का सूरज है ये, और होना ये चाहिए कि इन किरणों का प्रकाश न केवल हमारे स्कूल, हमारे स्टूडेंट्स के जीवन को ही रोशन करे, बल्कि दूर जहां कहीं अशिक्षा का अंधेरा है वहां भी इसे प्रकाशित करे। इसलिए हमने यहां से कुछ दूर मंडेसर नाम के एक गांव को चुना है ताकि हम वहां जाकर ज्ञान का प्रकाश फैला सके। इसलिए जो जो बच्चे इस ज्ञान दान मिशन में हमारे साथ आना चाहते हैं, वो अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से परमिशन लेटर लेकर आए, ठीक है? ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस जोर से, दैट्स इट। देखिए, अगर बच्चों के पेरेंट्स उन्हें हमारे साथ जाने के लिए परमिशन दे देते हैं तो मेरा ये मिशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस जिम्मेदारी के काम में मुझे आप दोनों की बहुत मदद चाहिए। मनोहर लाल जी, आपकी खासकर, आप ऑफिस इंचार्ज हैं, तजुर्बेकार हैं, इस पूरे ट्रिप को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। मिसेस खत्री, आप एक सीनियर टीचर हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे इस ज्ञानदान मिशन में आप हमारे साथ रहें और हमारे साथ मंडेसर चलें। जरूर मैम, मैं भी जाऊंगी मंडेसर, और आपके इस मिशन में मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। थैंक यू मिसेस खत्री, थैंक यू। और मनोहर लाल जी, आप भी तो हमारे साथ रहेंगे। मैडम, मेरा जवाब भी मिसेस खत्री से अलग नहीं है, हम सब आपके साथ पूरी तरह से। साथ नहीं मनोहर लाल जी, इस काम में आप बराबर के साझेदार हैं, ये हम सबका काम है। मैडम, एक बात पूछूं? हाँ। आपको मंडेसर के अंदर शिक्षा की ज्योति जलाने का ख्याल कैसे आया? यूं समझिए कि मेरी सोच को एक नई राह मिल गई। यू नो मिसेस खत्री, पिछले रविवार की बात है, सुबह का वक्त, राम राम बीबी जी। हाँ राम राम, कौन हो भाई? बीबी जी, आपका माली रामू काका है क्या? रामू तो आज छुट्टी पर है, कुछ काम है? वो है ना, पिछले दिनों हमने उनको कुछ पौधे दिए थे। हाँ, ठीक है ठीक है, उस वक्त हम घर पर नहीं थे और शायद उसके कुछ पैसे रह गए थे। आओ आओ, वो पैसे तुम मुझसे ले लो, आ जाओ ना, गेट बंद कर दो।
यहाँ आओ और यहाँ बैठो। अरे ये क्या कर रहे हो, यहाँ बैठो। यहाँ बैठो ऊपर। हाँ आप बताओ क्या हिसाब हुआ तुम्हारा? बीबी जी वो पौधे थे 10 कम 2 और भाव लगा था 20 कम 2 तो हो गए पूरे 50 रुपए दे दीजिए बीबी जी, पूरे हो गए। अरे ये क्या अभी कह रहे हो, पौधे थे 10 कम 2 यानी 8 और भाव था 20 कम 2 यानी 18। 18 रुपए के हिसाब से 8 पौधों के हुए 144 रुपए और तुम मांग रहे हो 50, ऐसा क्यों भाई? बीबी जी हम तो अनपढ़ है ना, तो हमको तो सब नुकसान सहना ही पड़ेगा। भाई ये तो एक अन्याय है जो तुम खुद अपने ऊपर कर रहे हो, ये सरासर तुम्हारी गलती है। हम क्या सभी कर रहे हैं अन्याय? वो रामू रा दूध वाला है ना, वो डिब्बों में भरकर शहर में दूध बेचने जाता है, हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि वो अनपढ़ है। वो सुखिया वो शहद बेचता है, मटके डेढ़ मटके का हेर फेर उसे मालूम नहीं, जैसा वो भुगत रहा है वैसे हम भुगत रहे हैं। तो क्या तुम्हारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? बीबी जी हमारे गांव में रामू डाकिया ही है पढ़ा लिखा, वही सबको खत पढ़कर सुनाता है और कभी कभी लिख भी देता है। और हाँ पुराने मुखिया जी भी 4 जमात पढ़े। पुराने मतलब? पुराने मतलब बीबी जी इस बार वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सके ना, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला हो गया तो इस बार वो लड़ नहीं सके, तो रामस्वरूप जी चुनाव लड़े। एक बात बताओ क्या तुम लोग पढ़ना लिखना चाहोगे? बीबी जी आप कोई पढ़ाएगा तो जरूर पढ़ेंगे। हम पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे? हाँ हम और हमारे स्कूल के बच्चे। अरे बीबी जी ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मुखिया जी भी यही चाहते हैं, वो तो बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवाना चाहते हैं। क्या मतलब कोई स्कूल नहीं है तुम्हारे गांव में? अरे बीबी जी यहाँ हमारे गांव में तो कोई स्कूल नहीं है, हाँ साथ वाले गांव में 2-2.5 मील दूर है। तुम लोग भेजते हो अपने बच्चों को वहाँ? कोई नहीं भेजता बीबी जी। क्यों नहीं भेजते? भाई तुम लोग अनपढ़ हो, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, उन्हें क्यों नहीं भेजते भाई? हर कोई ये सोचता है कि बाप के धंधे से तो रोजी कमानी ही है तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा, तो इससे तो अच्छा है कि बेटा बाप का धंधा अपनाए और बेटी अपना घर संभाले। और मुखिया जी वो लोगों को नहीं समझाते? वो क्या समझाएंगे, और कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मंडेसर गांव है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बस जाती है। क्या मैं तुम्हारे मुखिया से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ चलिए आज ही चलते हैं। ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही चलना, ठीक है? आप आराम से तैयार हो जाइए बीबी जी, मेरे पास कुछ पौधे रखे हैं, मैं उन्हें बेच कर आता हूँ। ठीक है और सुनो अपना हिसाब सही तरीके से लगाना। हाँ हाँ बीबी जी कोशिश करेंगे। अभी तक तो तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हरिपाल है बीबी जी। ठीक है हरिपाल तुम जाकर अपने पौधे बेचो, तब तक हम तैयार हो जाते हैं। और सुनो अपने पैसे ले जाओ, अभी लौट कर आते हैं बीबी जी, कोई बात नहीं। मन का ये सूरज, जिस किसी के जीवन में ये सूरज चमकता है उसे प्रयास करना चाहिए कि उसके सूरज की किरणें दूसरों के जीवन को भी रोशन करें। हम प्रयास करते हैं, घर की खिड़की खोलते हैं तो गगन की सूरज की किरणें घर में प्रवेश करती हैं। ठीक ऐसा ही कोई प्रयास हमें भी करना चाहिए जिससे निरक्षरों अनपढ़ों के मन की खिड़की भी खुले और उससे ज्ञान की किरणें प्रवेश करें, उसके जीवन में भी एक नई सुबह दस्तक दे। और मैं हरिपाल के साथ उसके गांव गई, मुखिया जी से मिली, बड़े अच्छे आदमी, मिलनसार, भोले भाले, गांव के सब लोग भोले भाले, मेहमानों की इज्जत करते थे, निश्चल, सच बहुत अच्छा लगा। लेकिन
अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ फैला हुआ, गंदगी, बीमारी, एक एक परिवार में ढेरों बच्चे, अज्ञानता चारों तरफ। मन बहुत बुझ सा गया। मैं शांति स्वरूप जी जो मुखिया है उनसे मिली, उनसे मैंने कहा कि मैं आपके गांव को साक्षर बनाना चाहती हूँ। उन्हें समझाया कि मैं यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा चलाना चाहती हूँ और ये भी समझाया कि अगर बड़े पढ़े लिखे होंगे और इसका महत्व जानेंगे तो अपने अपने परिवार के बच्चों को तो भेजेंगे ही पढ़ने। तो बहुत खुश हुई, उनकी समझ में बात आई। पर पता नहीं क्यों कि कुछ लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, कुछ दबे शब्दों में और कुछ ने तो खुलकर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैं जाके उनसे अलग अलग मिली। उनको मैंने समझाया, साक्षर होने के फायदे बताए, तब जाकर उनकी बात समझ में आ गई। जी हाँ मैडम, अपने फायदे की बात भला किसको समझ में नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा कि प्रौढ़ शिक्षा के इस कार्यक्रम में क्यों ना अपने ही स्कूल के बच्चों को जोड़ा जाए और इस तरह इस प्रोग्राम की नींव पड़ी। अब देखना यह है कि कितने बच्चे इस प्रोग्राम में आते हैं और ये मिशन कहां तक सफल होता है। ये कार्यक्रम जरूर सफल होगा मैडम, अगर प्रयास सच्चे मन से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। विनय, नितिन, आए, आए, चलो भाई, आए, बढ़िया यार। विनय, तुम चल रहे हो ना वेकेशन में? अच्छा वो ये पढ़ाने? अरे नहीं यार, बस ऐसे ही यार। और नितिन तुम? वेल, मेरे हिसाब से तो जरूर जाना चाहिए। क्यों, ऐसी क्या जरूरत है? चलते हैं यार, फन से चलते हैं। देख फन फुन तो सब ठीक है विनय, लेकिन वहां जाके हमें काफी कुछ देखने को और काफी कुछ करने को मिलेगा। मैं समझ गया नितिन, तू जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला। तू सच बता, वही सोच रहा ना जो मैं सोच रहा हूँ? चलो यार। नहीं नहीं यार, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लगता जरूर कोई सीरियस बात है नितिन, है ना? तुम लोग इन गाँव वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इन लोगों को आराम से उल्लू बनाकर आराम से पैसा उठा जा सकता है। और पता है, हम 6 महीने की पॉकेट मनी 2 महीने में कमा सकते हैं। और पॉकेट मनी भी कैंटीन में समोसे खाने वाली नहीं, मौज मस्ती करने वाली यार। हाँ यार, हम लोग इन लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। याद है क्रिस्टल रोड पे हमने ताऊ को कैसे बेवकूफ बनाया था? हाँ बिल्कुल सही। वही जो हिमालय टावर के मंजिले गिन रहा था और तुमने उसे जा पकड़ा था और कहा था ए ताऊ कौन सी मंजिल गिन रहा, तो वो बोला कि 10वीं। तो तुमने कहा निकालो 20 रुपए, यहाँ हर मंजिल को देखने के 2 रुपए लगते हैं। तो वो बेचारा चुपचाप 20 रुपए दे गया था। और वो फिर भी अपने आप को अकलमंद समझ रहा था, बेवकूफ कहीं का। हाँ, फिर वो पान वाले चौरसिया के पास पहुँचा और उससे कहने लगा कि भैया हम तो सुने हैं कि शहर वाले बहुत अकलमंद होते, पर ये तो मूर्ख निकले। बताओ हम देख रहे थे 15वीं मंजिल और उनको बता दिया कि हम देख रहे हैं 10वीं मंजिल। फिर क्या था, 20 रुपए दिए और चुपचाप लेकर चलते बने। और यही बात बाद में चौरसिया पान वाले ने हमें बताई थी। अरे तभी तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ चलते हैं मंडे सर, बाकी लोग तो वहाँ गाँव वालों को पढ़ाने में लग रहेंगे और हमें बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा गाँव वालों को चूना लगाने के लिए, बहुत मजा आएगा यार। लेकिन नितिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या? अगर फंस गए तो क्या होगा? अरे कोई नहीं, फंसते फूसते, और अगर फंस भी गए तो कोई बहाना मार कर खिसक लेंगे। मगर यार अपने प्लान का क्या होगा? बेटे प्लान वगैरह भी सब कुछ हो जाएगा, पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन तो ले लो। ठीक है, पहले परमिशन लेकर आते हैं फिर प्लान के सोचते हैं। बिल्कुल, डन, लेट्स मूव। चलो मयंक तैयार हो जाओ बेटा। हाँ मैं हो रहा हूँ। अच्छा ऐसा करना, नाश्ता तुम सिमरन से ले ले। क्यों, तुम कहीं जा रही हो? नहीं, वो स्वामी जी आए हैं उनके पास जा। क्या माँ, फिर वही स्वामी जी? अरे वो आशीर्वाद देने आए हैं अपना। देखो माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि ये सब के सब ढोंगी होते हैं और ये कोई आशीर्वाद देने नहीं आते, ये तुम जैसे भोले भक्तों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और ठगते तुम्हारे विश्वास को। मयंक, महात्माओं के बारे में ऐसा नहीं कहते माँ। लेकिन आपने मुझे लिखकर भी तो देना है। क्या लिखना था? आप फिर भूल गए माँ।
मैंने आपको बताया था ना कि इन छुट्टियों में मैं स्कूल के साथ मंडेसर जाना चाहता हूँ, वो गांव वालों को पढ़ाने लिखाने के लिए। अच्छा ऐसा करो, तुम जो चाहते हो लिख दो, मैं साइन कर दूंगी, वहीं स्वामी जी के पास आ जाना हाँ, और उनका आशीर्वाद भी ले लेना। सिमरन हाँ आओ सुनना। तो मयंक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है। जी स्वामी जी, वो कहता है कि छुट्टियों का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो छुट्टियों में यहाँ नहीं रहेगा। जी वो मंडेसर जाएगा, अभी आता ही होगा आपसे आशीर्वाद लेने। मयंक तैयार हो गया? वो तो बिना नाश्ता किए चले गए मालकिन। क्या? अरे उसे तो मंडेसर जाने के लिए परमिशन लेटर चाहिए था। कोई बात नहीं सुनंदा, तुम उसके विद्यालय चले जाओ और स्वयं लिखकर दे आओ उसका आज्ञा पत्र। इसी कार्य में उसका कल्याण है, मंडेसर गांव के वासियों का कल्याण है और हमारा भी कल्याण। पहले इन जड़ी बूटियों को सुखाना होगा, उसके बाद पीसना होगा। ओ दार जी, आप कहां फिर इसी काकू में बैठे हुए हैं? हाँ मेरे पुत्र, ये घास फूस नहीं है, ये बड़ी जरूरी जड़ी बूटियां हैं। तुझे पता है वो यदि नाल दमे दा इलाज होता है दमे दा। ओ दार जी, इस उम्र में आके आप क्या ये हकीमगिरी में फंस गए? सारी उम्र आपने फर्स्ट क्लास सर्विस की है जी, और अब आप इन पतियों का रस निचोड़ने में लगे हुए। ओ पुत्र, पतियां दा ही रस निचोड़ रहा ना, कोई गन्ने का रस निचोड़ के मैं चौक चराए थे बेच तो नहीं रहा ना है। क्या बात है, आज सवेरे सवेरे चांद दे मुखड़े दे दर्शन हो गए, की गल है। ओ दार जी, अब डैडी तो गए हुए हैं दौरे पे, उनके पीछे से परमिशन तो आप ही से लिखवानी पड़ेगी ना मुझे। विच परमिशन, कड़ी परमिशन चाहिए थी। ओ दार जी, मैंने आपको बताया था ना, मैं मंडेसर गांव जाना चाहता हूँ। ओ बुड्ढे तोतिया नु पढ़ान। अच्छा आइडिया पुत्र, नेक ख्याल है, जरूर जाना चाहिए। पर पुत्र उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। पुत्र मंडेसर गांव के साथ में एक जंगल लगता है, उस जंगल विच एक जड़ी बूटी मिलती है, उस बूटी का नाम है हुगला। हुगला? हाँ। ओ दार जी, ये जड़ी बूटी का नाम कम और किसी डकैत का नाम ज्यादा नजर आता है मुझे। ओए पुत्र, तुम आज की पुश्ते जो है पुराने महापुरुखों के उपदेश भूल गए, इसलिए जड़ी बूटी भी तुम्हें डकैत लगता है। इस जड़ी बूटी से पता है पुराने जोड़ों के दर्द की तकलीफ जो है फटाफट दूर हो जाती है, उसका इलाज होता है। ओ मैं समझ गया दार जी। बड़ी छेती समझ गए, पापी का पोता हूँ। तू बड़ा खोता है। आप चाहते हो कि मैं इस हुगली, हुगला क्या था दार जी वो, हुगला, हुगला, इस हुगला की पतियां मैं मंडेसर के जंगलों से लाके आपको दे दूं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैनू ले आके दे दे और मैं तुझे उस पत्ती का एक सैंपल भी देना। ओ नहीं नहीं दार जी, वहां तो मैंने 10 दिनों के बाद जाना है, आप पहले परमिशन तो लिखिए कि मुझे आप जाने की परमिशन दे रहे हैं। वैसे स्कूल में देर हो रही है और यूनिफॉर्म भी पहनी है मैंने। ले आ पुत्र कागज पेन दे। लेकिन मेरी एक शर्त भी है दार जी। की है? अगर डैडी ने आके मेरे मंडेसर गांव जाने पे ऐतराज किया तो उनको आप ही को संभालना होगा। ओए तेरे प्यो दी ते ऐसी दी तैसी। ओ की ओदा प्यो भी मनेगा? तो फिर दो परमिशन दार जी। ले पुत्र ले, बहुत शरारती है। टू द प्रिंसिपल। हाँ जी, टू द प्रिंसिपल स्कूल, आई grant permission to my grandson to go to Mandesar village with your school. Okay? School. Yours faithfully. Best of luck. Oh, thank you, Dharji. तुसी great है क्यों? शरारती। चलो फटाफट दो 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 दो, फट जाएगी परमिशन दार जी। Thank you, Dharji.
हाय राघव, ओके बाय। हेलो शालिनी, कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा राघव सुनो, तुम मांडेसर जा रहे हो छुट्टियों में? हम्म, जा रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? नहीं कुछ नहीं। तुम जा रहे हो इसीलिए तो मैं भी जा रही हूँ। एनीथिंग एल्स के बच्चे? मिसेस खत्री। यस मैम। वो बच्चों के परमिशन लेटर्स आपके मिल गए? यस मैम, कुल 24 बच्चे तैयार है जाने को। गुड, लेकिन फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें 8-10 बच्चों का चुनाव करना है, वो जरा आप ध्यान से देख लीजिए। यस मैम। और मनोहर लाल जी, अब हमारा मिशन शुरू हो रहा है, आप अपना काम समझ लीजिए। सबसे पहले एक बस का इंतजाम कर लीजिए और कुछ बैनर्स पोस्टर्स इनका देख लीजिए, वो छपवाने। शिक्षा से ही बनता हर कोई कुशल हुनरमंद। खुल जाए अकल की खिड़कियाँ जो पहले थी बंद। दुनिया का सब बुरा भला जाने इससे इंसान। लड़का हो या लड़की सब बने कलम के साथी। बूढ़ी ताई रह गई अनपढ़ तो काहे पछताती। पढ़ लिख लो अब तुम ना करो उम्र का ध्यान। ज्ञानदान ज्ञानदान और आपके ज्ञान दान मिशन की जिस चीज की भी आवश्यकता है उसका पूरा ख्याल रखा गया। बस एक काम और है कि आप अब स्कूल चले जाइए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडिंग काम है वो सब आपके सुपुर्द जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप अपना ध्यान मिशन में रखिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। राम 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 राम। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुखिया जी आपके आशीर्वाद से यात्रा बिना कठिनाई के पूरी हो गई। और आगे।